मूवी की शुरुआत में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि बताता है कि एक क्रू डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए अमेज़न के जंगलों में गया था और वो वापस लौट के नहीं आया। इस क्रू में चार लोग मौजूद थे, डायरेक्टर एलन, फे जो कि एलन की गर्लफ्रेंड थी, और दो कैमरामैन मार्क और जैक। इस क्रू को गायब हुए 2 महीने बीत चुके थे, इसलिए अब इनका पता लगाने के लिए प्रोफेसर हेरोल्ड को अमेज़न के जंगलों में भेजा जा रहा था। अब मूवी यहां से शिफ्ट होकर जंगल में जाती है जहां आदिवासी किसी ह्यूमन बॉडी को खा रहे थे, लेकिन तभी वहां आर्मी आकर उन सभी पर फायरिंग शुरू कर देती है जिससे वो सभी आदिवासी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर एक आदिवासी को पकड़ने में कामयाब रहते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर भी जंगल में पहुंचकर आर्मी चीफ से मिलता है। दरअसल वो पूरा एरिया ही आर्मी के अंडर था। अब प्रोफेसर आर्मी चीफ को उस गायब हुए क्रू के बारे में बताता है और उन सभी को ढूंढने के लिए उसकी मदद भी मांगता है। तभी चीफ उसे एक लाइटर दिखाता है जो कि उसी क्रू में से किसी को बिलोंग करता था। वो लाइटर चीफ को उस पकड़े हुए आदिवासी के पास से मिला था। अब आर्मी चीफ प्रोफेसर को चाको नाम के एक आदमी से मिलाता है जिसे जंगल के चप्पे चप्पे की नॉलेज होती है। वो तीनों मिलकर उसी पकड़े हुए आदिवासी के पास जाते हैं। चाको प्रोफेसर को बताता है कि ये आदिवासी अपने घर से काफी दूर आया है और वो एक क्रू मेंबर के पीछे ही इतनी दूर तक पहुंचा है, जिसका कि काफी साफ मतलब था कि जिसे अभी तक ये लोग खा रहे थे वो भी गायब क्रू का ही एक मेंबर था। उसके बाद प्रोफेसर चाको, वो आदिवासी और चाको का एक असिस्टेंट उस आदिवासी का कबीला ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहां चलते चलते रास्ते में उन्हें एक ह्यूमन की सड़ी हुई लाश मिलती है जिस पर कीड़े चल रहे थे। चाको उस डेड बॉडी को चेक करता है और बोलता है कि ये डेड बॉडी उसके ही दोस्त की है। अब चलते चलते सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए वो लोग एक जगह रुक कर आराम करते हैं। वहां असिस्टेंट एक चूहे को पकड़ कर लाता है और उसे खाकर सभी लोग आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदिवासी दिखता है जो कि एक लड़की को वहां पे घसीट कर ला रहा था। वो उस लड़की को पत्थर से प्राइवेट पार्ट में घुसाकर रेप करता है और उसे टॉर्चर करके वहीं पर मार देता है और उसकी डेड बॉडी को नाव में डालकर नदी में बहा देता है। ये देखकर चाको हवा में फायरिंग करता है जिसे देखकर वो आदिवासी वहां से भागने लगता है। तब सभी लोग उसका पीछा करके उसके कबीले तक पहुंच पाते हैं। असिस्टेंट उस कैदी आदिवासी की मदद से उन्हें बताता है कि वो लोग उन कबीले वालों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। वहीं प्रोफेसर की नज़र एक सामान पर पड़ती है जो कि उसी लापता क्रू में से एक मेंबर की थी। जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, चाको उसे तुरंत रोक लेता है क्योंकि वो आदिवासी कुछ भी कर सकते थे। वहीं एक आदिवासी आदमी उन्हें रोते हुए जली हुई झोपड़ियां और कुछ मरे हुए आदिवासियों की लाश दिखाता है जिसे वो लोग समझ नहीं पाते और गेस करते हैं कि शायद इनकी दूसरे कबीले वालों के साथ लड़ाई हुई हो। वो लोग इनके साथ कुछ समय बिताकर अपनी तलाश पर आगे निकल जाते हैं, जहां एक दिन रास्ते में उन्हें एक दूसरा कबीला दिखता है जो कि पहले कबीले वालों की औरतों को पकड़कर उन्हें टॉर्चर और उनके साथ रेप कर रहा था। पहले वाले कबीले के लोग भी आ जाते हैं। ये देखकर प्रोफेसर और चाको उन दूसरे कबीले वालों पर फायरिंग करता है जिससे वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब वो पहले कबीले वाले प्रोफेसर पर ट्रस्ट करने लगते हैं। अब उनका और ज्यादा ट्रस्ट जीतने के लिए प्रोफेसर अपने कपड़े उतार कर नदी में नहाने जाता है ताकि उन आदिवासियों को लगे कि वो उनकी तरह ही है। तभी वहीं कुछ आदिवासी लड़कियां भी नहाने आती हैं और जब वो जाने लगती हैं तब प्रोफेसर उनका पीछा करता है। वो लड़कियां प्रोफेसर को उसी जगह ले जाती हैं जहां उन्होंने क्रू के स्केलेटन के साथ उनका सामान रखा हुआ था। उस सामान में क्रू का कैमरा भी मौजूद था जो कि अब प्रोफेसर को चाहिए था क्योंकि वो उस कैमरे की फुटेज से क्रू का पता लगा सकता था, इसलिए प्रोफेसर उन्हें अपने टेप रिकॉर्डर से म्यूजिक चलाकर सुनाता है। वो गाना सुनकर सभी आदिवासी बहुत खुश हो जाते हैं और इनाम के तौर पर वो उसको इंसान के फेफड़े खाने को देते हैं।
प्रोफेसर उनको नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो फेफड़े खा लेता है और उन आदिवासियों से टेप रिकॉर्डर के बदले वो कैमरा ले लेता है। प्रोफेसर को सबूत मिलने के बाद वो वापस से सिटी में आ जाता है। यहाँ प्रोफेसर एक टीवी चैनल की टीम से मिलता है क्योंकि उसे उस मिली हुई फुटेज को लाइव चलाना था ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि उस क्रू के साथ क्या हुआ था। लेकिन प्रोफेसर इसके लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि प्रोफेसर पहले खुद ही उस रिकॉर्डिंग को इंस्पेक्ट करना चाहता था। अब वो टीवी टीम प्रोफेसर को एलन की डायरेक्ट की हुई एक और फिल्म दिखाती है। वो बोलते हैं कि एलन एक बढ़िया डायरेक्टर था, इसलिए आपको देखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। लेकिन अब भी प्रोफेसर अपनी बात पर अड़ा रहता है और वो सबसे पहले खुद ही डॉक्यूमेंट्री देखता है। रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि पूरा क्रू जंगल में है। तभी नदी में उन्हें एक कछुआ दिखाई देता है। वो लोग उसे पकड़कर फाड़कर खा जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तभी उनके एक साथी को स्नेक काट लेता है। तब वो लोग उस सांप को ही मार डालते हैं और अपने साथी को बचाने के लिए उसका पैर भी काट डालते हैं। लेकिन ज्यादा खून निकलने के चलते उनके साथी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कुछ आदिवासी दिखाई पड़ते हैं जो कि जंगल में कुछ आदिवासियों का शिकार कर रहे थे। वो तीनों आदिवासियों का पीछा करके उनके कबीले तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर ये तीनों बंदूक की नोक पर सभी आदिवासियों को एक झोपड़ी में इकट्ठा करते हैं और बाद में उस हट को ही जला देते हैं, जिसके चलते बहुत से आदिवासी जलकर वहीं पर मारे जाते हैं। इनके पास गन होने के चलते कोई भी आदिवासी इनसे पंगा नहीं ले रहा था। अब अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने के लिए एलन और उसकी गर्लफ्रेंड फे उन कैदी आदिवासियों के सामने ही फिजिकल होते हैं। उसके बाद वो लोग महिला आदिवासियों को एक प्रेग्नेंट आदिवासी का जबरदस्ती बच्चा करवा के उसे कीचड़ में डालने को बोलते हैं। वो आदिवासी औरतें बाद में उस प्रेग्नेंट आदिवासी को पत्थर से पीट पीट कर मार डालते हैं। क्रू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी डॉक्यूमेंट्री अच्छी बन सके। अब ये फुटेज देखने के बाद प्रोफेसर उस टीवी कंपनी को ये फुटेज लाइव ना करने की सलाह देता है क्योंकि वो फुटेज बहुत ही वॉयलेंट थी और ऊपर से उनमें जो भी दिखाया गया था वो सब आदिवासियों को डराकर किया गया था, ना कि उसमें कुछ भी सच था। लेकिन टीवी कंपनी अभी भी नहीं मान रही होती, इसलिए प्रोफेसर उन्हें फुटेज दिखाता है ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर लें। अब आगे की फुटेज में वो लोग एक आदिवासी लड़की का रेप कर रहे होते हैं जिसको फे रिकॉर्ड कर रही थी। अब वो यही नहीं रुकते और उस आदिवासी लड़की के अंदर एक डंडे को घुसा देते हैं। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तब एलन जैक को गोली मार देता है ताकि वो रिकॉर्ड कर सके कि ये आदिवासी उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करते हैं। उसके बाद आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं और जैक की बॉडी को टुकड़ों में करके उसे खा जाते हैं। इसको देखकर एलन और फे का बम डर से फलावर हो जाता है। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आदिवासी उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ लेते हैं। वो आदिवासी फे को पकड़कर उसका रेप करते हैं और बाद में उसे बुरी तरह पीट पीट कर मार डालते हैं। वो एलन को पकड़कर उसका भी सर काट देते हैं और बाद में उसका भी राम नाम सत्य हो जाता है। अब टीवी चैनल वालों को थोड़ी अकल आती है और वो प्रोफेसर को उस फुटेज को जलाने के लिए बोल देते हैं। यही नहीं, इसके बाद लास्ट में अपना प्रोफेसर ज्ञान की बातें सोचता है और सोचता है कि रियल में कैनिबल कौन है, आदिवासी या हम लोग, और मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। गाइज, इस फिल्म में बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स और एनिमल क्रुएलिटी है जिसे मैंने अवॉइड करने की बहुत कोशिश की है और इसलिए ही वीडियो से ज़्यादा मैंने स्टिल पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है। इन्हीं क्रूअल सीन्स के चलते ही इस मूवी को बहुत ही जगह बैन कर दिया गया है और ये अब तक की बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मूवीज में से एक है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त मूवीज का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।